चलो बच्चा फटाफट, सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस। सबसे पहले बच्चा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगी। बिजनेस कम्युनिकेशन, इन्होंने कहा एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक ग्रामर वाइज इंग्लिश अच्छी होनी जरूरी नहीं है, आपको बस इतनी इंग्लिश चाहिए कि आप क्या कर सको, जब आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप क्या कर सको बच्चा, टू वे कम्युनिकेशन हो सके। इन्होंने कहा आपके ध्यान दो इधर, क्या कर रहे हो? थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। टोटल बच्चा आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स है? 8। ठीक है, इनको ना दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक पार्ट हम बोलते हैं ए पार्ट और दूसरा है बच्चा पार्ट बी। तो ए पार्ट बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला पार्ट है पूरा का पूरा इंग्लिश, जो भी बचपन से पढ़ा है फर्स्ट क्लास से, नाउन प्रोनाउन वर्ब बचपन से पढ़ रहे थे। 12th क्लास तक आपने क्या पढ़ा? सेंटेंस बनाना सीख चुके थे, पैराग्राफ्स बच्चा, नोट मेकिंग, अनसीन पैसेज, ये सब। तो जो भी फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक है वो इन्होंने इन तीन चैप्टर में सम अप कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, तो दीदी इंग्लिश तो हमें 12 साल से हमारी टीचर नहीं सिखा पाई है, तो आप हमें कैसे सिखाओगे कुछ महीनों में, है ना? तो चैलेंज है, देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बस बस बस, और ये चैलेंज था एक्चुअली में, ये चैलेंज ही होता है बच्चा, ये जो ग्रामर हो रहा है ना, आपको कोई सिखा पाया है क्या? इतने बच्चा पूरे साल साल का कोर्स होता है मालूम है ना इंग्लिश का, ग्रामर का, सीख पाओगे क्या कुछ महीनों में? और बच्चा कि ये तीन चैप्टर, क्या मैं तुम लोग को 3 महीने पढ़ा रही हूँ क्या, नवंबर तक? ये तो बाद में आएंगे ना। तो एक्चुअल में इसमें ज्यादा माथा खपाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितना नॉलेज है उसी को थोड़ा सा एनहेंस करेंगे, कंप्लीट इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंप्लीट नॉलेज बाकी चैप्टर्स में लेने की जरूरत है, 4 से लेकर बच्चा 8 चैप्टर, मतलब ये 5 चैप्टर तो आपको अच्छे से कर लेने। पूरा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है बच्चा? 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो बच्चा इस 50 मार्क्स में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए बच्चा? वैसे तो मिनिमम 20 है, लेकिन क्या करो 25 की 50% ही ट्राई करो, तो 25 लाना है ना। तो बच्चा अगर किसी की ग्रामर वीक है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, वो 25 इसमें भी ला सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले। तो बच्चा अब हम पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले मैं वही चीजें पढ़ाऊंगी जो आपको थोड़ा सा इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे। पहले दिन से ग्रामर पढ़ाने लग जाऊंगी तो आप कहोगे दीदी रहने दो हम सीएस छोड़ रहे हैं। एक्चुअली में यही है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो एक इंग्लिश टीचर ग्रामर पढ़ाने आई, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में आपको सीखना क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला चैप्टर आप 4th ही पढ़ोगे, जो कि बताएगा भैया बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या। बिजनेस कम्युनिकेशन का बेसिक समझो, क्योंकि धीरे 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 नॉलेज आएगा, तब जाके मैं आपको इस ग्रामर सेक्शन को एंड में पढ़ाऊंगी। तो सीक्वेंस क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद हम जाएंगे बच्चा 1, 2, 3। क्या ये बात समझ में आई? तो मतलब पहले पूरा पार्ट बी खत्म करेंगे, जो कि आपको ईजी भी लगेगा, जो आपको कुछ नया भी लगेगा। बाद में हम 1 एंड 2 में जाएंगे बच्चा, 1, 2, 3 में जाएंगे जो एक्चुअल में ग्रामर है, और पहला ही चैप्टर पूरा ग्रामर है, बाकी सब तो बच्चा वोकैबुलरीज एंड पैसेजेस है। ठीक है, तो 1, 2, 3 की टेंशन अभी नहीं लेना है, पहले बच्चा 100% स्ट्रॉन्ग कर लो 4 to 8 तक का। क्लियर है? चलो तो बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बच्चा। अब आ जाओ, पहला कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चा? 4th चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्यों मैंने 4th चैप्टर से स्टार्ट किया, इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, बी पार्ट से चालू करेंगे। ठीक है, आ जाइए बच्चा, चैप्टर का ही नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ये आपको पहले बताएगा ये बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, इनको हम डिटेल में जाएंगे कुछ। लेकिन इससे पहले एक अच्छी बात बताना चाहती हूं, आपको पता सब कुछ है, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन बच्चा अगर आप उसे बता ना पाओ, जो भी बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में, अगर वो किसी को कन्वे नहीं कर पाओ, वो आइडिया किस काम का? आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आप एक सीएस हो, आप सारे लॉस जानते हो, लॉस पढ़ रहे लीगल सब्जेक्ट में, आप सारे लॉस जानते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्टर को वो एक्सप्लेन ही ना कर पाओ, तो क्या मतलब वो लॉ का नॉलेज होने का कोई मतलब है क्या? तो लॉ का नॉलेज है, उसे कन्वे भी तो करो अच्छे से। तो बच्चा किसी महान इंसान ने बोला है, यू कैन हैव ऑल द ग्रेट आइडियाज, आपके दिमाग में बहुत सारे ग्रेट आइडियाज आएंगे इन द वर्ल्ड, इफ यू कांट कम्युनिकेट, अगर आप वो नहीं बता पा रहे हो
तो आइडिया किसी मतलब का नहीं है। तो बस आइडियाज आना जरूरी नहीं है, आइडियाज को एक्सप्रेस भी करना है, कम्युनिकेट भी करना है। लीगल का बस नॉलेज होना जरूरी नहीं है, किसी काम का नहीं जब तक आप उसे बता ना पाओ। हम क्यों बोलते हैं लॉयर, जब आप किसी लॉयर को देखते हो तो वो एक टाइम पे इतना स्मार्ट हो चुका, इतना प्रो हो चुका होता है कि भैया सारे लॉज बता देता है, आपके पास भी नॉलेज है लेकिन बता नहीं पा रहे, कोई मतलब है? तो बोलना भी आना चाहिए। ये पूरा बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट क्यों आया बच्चा, इसीलिए आया क्योंकि होता क्या है ना, जो प्रोफेशनल कोर्सेस वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, ये सारे लोगों की अगर मैं बात करूँ, ये बस पढ़ते रह जाते, दुनियादारी में चीजों को प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे, लोगों से बात करना नहीं पसंद करते, किताबी कीड़े बन जाते। नॉलेज तो बहुत हो गया लेकिन सोशल लाइफ क्या है? जीरो। चार लोग के सामने खड़े होकर कुछ बोल ही नहीं दे, शांत है। तो बच्चा बस नॉलेज लेकर बैठना नहीं है कहीं, चार लोग के सामने हमें बात करते बननी चाहिए, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं कह रहे इंग्लिश स्ट्रांग हो, हम ये नहीं कह रहे इंग्लिश होनी चाहिए बहुत स्ट्रांग, लेकिन बच्चा इतना स्ट्रांग होना चाहिए इंग्लिश, क्योंकि बच्चे सारे काम आपके इंग्लिश में ही होने वाले। पूरी मैंने आपको वेबसाइट दिखाई, हिंदी में थी क्या? एमसी की वेबसाइट हिंदी में थी क्या? नहीं, इंग्लिश में थी, लेकिन इतनी इंग्लिश बनती है हमें, इंग्लिश मीडियम में हो, अगर हिंदी मीडियम में भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी इंग्लिश तो हमें सुनी है समझे। इन्होंने कहा बस बच्चा इतना स्ट्रांग कर लो कि बिजनेस में यूज होने वाली जो कम्युनिकेशन है वो आपसे बन जाए। तो बस आइडिया यहाँ नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेट भी होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बच्चा, सबसे पहले ये कम्युनिकेशन होता है क्या, इस मीनिंग को समझे में आपकी बुक्स में हम आएंगे। कोई ना कोई जो भी वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं से आया होता है बच्चा। लैटिन वर्ड, व्हाट डू मीन बाय लैटिन वर्ड? लैटिन लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, ऐसे लैटिन एक लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है हिंदी? कहाँ की लैंग्वेज है? इंग्लिश तो बहुत सारी कंट्रीज की, लेकिन चलो अमेरिका की हम बोल देते हैं। क्लियर है? तो ऐसे ही लैटिन कहाँ की लैंग्वेज है? रोम एक कंट्री, देश है, जहाँ पे एक लैंग्वेज चलती है। बच्चा मैंने आपको बताया है रोम हमेशा से ही बहुत आगे था, चाहे वो अब साइंस की फील्ड हो, चाहे वो बच्चा लीगल लॉ की फील्ड हो, चाहे वो कोई भी उनका मैनेजमेंट हो, हर टाइम बच्चा बिजनेस स्टडीज भी देखोगे देखना, वो रोम का कहीं ना कहीं कभी हिस्ट्री जानोगे, किसी भी चीज की हिस्ट्री देखोगे तो आपको देखना रोम जो देश है उसका तो जिक्र हमेशा होता ही है। वो बहुत पहले से ही बहुत दिमागदार था, उसने हर चीज को आगे बढ़ाया है। तो बच्चा चलिए, इन्होंने कहा भाई कम्युनिकेशन आया कहां से? तो कम्युनिकेशन एक वर्ड लैटिन वर्ड से आया, दैट वॉज कम्युनिस, ठीक है, जिसका मतलब क्या है? वन वर्ड में बोलेंगे तो शेयर, आइडिया शेयर कर रहे हैं ना, कम्युनिकेट कर रहे मतलब बात कर रहे, जो हमारे दिमाग में चल रहे, जो हमारे थॉट्स चल रहे वो हम बता रहे, शेयर। तो बच्चा कम्युनिकेशन आया कहां से? एक लैटिन वर्ड से आया, वो लैटिन वर्ड क्या था बच्चा? कम्युनिस, जिसका मतलब था शेयर। कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है, आज हम उसका मीनिंग क्या समझते बच्चा? एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, बातें, विचार, है ना, कि हम बीजेपी को लेके क्या सोच रहे, तुम कांग्रेस को लेके क्या सोच रहे, आम जनता पार्टी को लेके, ये सब थॉट्स तो है जो हम क्या कर रहे हैं बच्चा? शेयर कर रहे, एक्सचेंज कर रहे, मैसेज एक्सचेंज कर रहे, इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्पीच से, चाहे वो विजुअल, सिग्नल, राइटिंग, बिहेवियर, जिससे भी आप शेयर कर रहे, दैट वॉज कम्युनिकेशन। बच्चा एक्चुअल में सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं? कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग शेयर करते हैं, सेंडर रिसीवर शेयर कर बच्चा विद अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं बस बोल दिया, मैं भी तो कम्युनिकेट कर रही हूँ, तुम लोग को बोल के चली जाओ, समझ में कुछ ना आया तो क्या ये कम्युनिकेशन है? नहीं। कम्युनिकेशन प्रॉपर कब कब होता है? जब वो क्या होगा बच्चा? टू वे कम्युनिकेशन, मैंने बोला और आपको अभी रिप्लाई आना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए, हाँ दीदी समझ में आया, एकदम ही चुप बैठे बुद्ध बनकर, तो क्या ये कम्युनिकेशन होगा? नहीं। तो कम्युनिकेशन वर्ड का मीनिंग समझ में आया, कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड। वो लैटिन वर्ड क्या था? कम्युनिस, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, कम्युनिस इंग्लिश वर्ड नहीं है, हिंदी वर्ड नहीं है, क्या है बच्चा? एक लैटिन वर्ड है। उसका मतलब क्या है इंग्लिश में? इंग्लिश में उसका मतलब शेयर है, हम नॉर्मली समझते हैं थॉट को एक्सचेंज करना, ठीक है। चलिए आ जाओ बुक में ये सब लिखा है, कम्युनिकेट वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, दैट वाज कम्युनिस, जिसका मतलब होता है टू शेयर। बच्चा नॉर्मली कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स, ठीक है, थ्रू अ कॉमन सिंबल्स यूज करते हैं बच्चा, साइंस या फिर बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडियाज, फीलिंग, ऑल दीज आर बच्चा कम्युनिकेशन। क्या ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया? पक्का पक्का। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? लैटिन वर्ड कौन सा था? कम्युनिस आया था, वेरी गुड, सुन लो बच्चा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारे इसमें क्या वही पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा, है ना, जो इनको आगे वो आ गया, अब कुछ और पूछा जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में वो लैटिन वर्ड आ जाएगा, कम्युनिकेशन समझते तो है, लेकिन बच्चा इन्होंने जो डिटेलिंग बताई वो आपसे पूछा जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे ना कुछ अलग अलग लोग है,
ठीक है, हस्टन हो गया, कनोज हो गया, जॉर्ज हो गया, एलेन हो गया, ये सारे अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अपने तरीके से मीनिंग बताया कि उनके हिसाब से कम्युनिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल रॉकी सर ने एक डेफिनेशन बताई, मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन ही, अभिषेक सर ने कुछ बताया, मैंने कुछ बताया, तो सबने अपनी अपनी क्या बताई बच्चा, डेफिनेशन। सबकी डेफिनेशन मिलती जुलती होगी, कुछ अलग नहीं है। देखो क्या लिखा है, थोड़ा सा बस शब्दों में शब्द जो यूज होंगे वो थोड़े अलग होंगे, लेकिन मीनिंग सबका सेम होगा। इन्होंने क्या क्या, एस्टर ने क्या बोला, कम्युनिकेशन मतलब एक सिंपल फॉर्म में कन्वे करना, दैट्स इट, बस ये मार्क करो। बच्चा एग्जाम में बच्चा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूं आपको, आपको ऐसे पूरी डेफिनेशन लिखी होगी, लेकिन मुश्किल है पूरी डेफिनेशन याद करना। आपको क्या करना है, कुछ कुछ कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स निकालना है। अगर सिंपल फॉर्म लिखा है तो याद आ जाना चाहिए मुझे हेडसन ने बोला था, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये किसने बोला, प्रोज ने बोला। बच्चा कम्युनिकेशन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियन इमोशन, ये किसने बोला बच्चा, जॉर्ज ने बोला। ये कीवर्ड्स है जो आपको याद होने चाहिए। बच्चा सम ऑफ ऑल थिंग्स, लंबी चौड़ी डेफिनेशन थोड़ी ना याद होगी। इन्होंने बोले भैया एलेन ने दे रखा है सम ऑफ ऑल थिंग्स, तो आपको ये कीवर्ड्स बस ढूंढने, क्योंकि बच्चा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है कि डेफिनेशन एक बंदे की बोल दी जाएगी, लिखो, लिखने को आ रही है क्या, क्या पूछा जा रहा है, चार ऑप्शन, एक डेफिनेशन दे दी जाएगी, चार ऑप्शन, किसने बताई थी डेफिनेशन, आपको ये कीवर्ड ढूंढने। क्या ये बात समझ में आ रही है, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव में पढ़ रहे होते तो पूरी डेफिनेशन लिखनी होती, लेकिन कहाँ पढ़ रहे हो, एंट्रेंस सीएसईटी में, तो साफ साफ बोलते हैं भैया ये डेफिनेशन लिखी होगी पहले से ही, आपको बस चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में मार्क करना है। क्लियर है, मुश्किल है, क्योंकि क्या होगा डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, ऑप्शन ए बी सी डी में थोड़ा सा मुश्किल आएगी, लेकिन बनाने को तो कुछ भी बना सकते, तब भी हमें कीवर्ड्स तो ढूंढने। अगर आपने ये दो चीजें याद कर ली तो वाइस वर्सा कैसे भी क्वेश्चन पूछे बन ही जाएगा। क्लियर है, तो कीवर्ड्स हेक्सन में क्या याद रखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, देन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन किसमें था, जॉर्ज ने क्या बोला, सम ऑफ ऑल थिंग्स किसने बोला, तो किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। कम्युनिकेशन क्या है, इंफॉर्मेशन शेयर करना, सेंडर रिसीवर को ये क्या कह रहा है, सिंपल फॉर्म में कन्वे करना इंफॉर्मेशन, ये क्या कह रहा है, ट्रांसफर करना है, एक बंदा दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर रहा है, एक्सचेंज फैक्ट्स आइडियाज ओपिनियन इमोशन, ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल थिंग्स जो भी दिमाग में चल रही है वो सब कन्वे करना, दैट्स इट। क्लियर है, तो ये था बिजनेस कम्युनिकेशन में, अभी बस आपने क्या वर्ड समझा है, कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा, जब हम बिजनेस की बातें करेंगे, बिजनेस आइडियाज, मैं बच्चा न्यूज़पेपर के आर्टिकल की बात कर रही हूँ तो क्या बिजनेस कम्युनिकेशन है, नहीं, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है। बिजनेस को लेकर जब दो लोग बात करेंगे, दैट वाज बिजनेस कम्युनिकेशन, दैट्स इट। कम्युनिकेशन सब कुछ है, अगर मैंने बोला कम्युनिकेशन तो सारी बातें कवर हो जाएंगी, लेकिन मैंने बोला बिजनेस कम्युनिकेशन तो बिजनेस की बातें, मैंने बोला फॉर्मल कम्युनिकेशन बिजनेस की बातें होंगी। इनफॉर्मल बच्चा गॉसिप भी करते रहते हो, कितने गॉसिप करते रहते हैं, है ना। चलिए, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, दो वे प्रोसेस है, बस मैं बोल रही हूँ तुम लोग बिल्कुल शांत बैठे तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। रिपीट करने का, समझ में आया नहीं आया बताने का, ध्यान देना बच्चा, सामने वाले शोर कर रहे होते, स्पीच दे रहा होता है तो हर कोई बोल रहा होता है कि बताइए आप हमारे साथ है कि नहीं। नेता लोग क्या करते रहते, जनता शोर करती है ना, टू वे कम्युनिकेशन, जनता बिल्कुल शांत है, भाषण देके निकल लिए, तो ये सही कम्युनिकेशन है, लेकिन क्या सही कम्युनिकेशन है। सही कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए बच्चा, टू वे, ठीक है, बच्चा सामने वाला भी बोल रहा हो तभी पता चलेगा वो सो नहीं रहा है, नहीं तो सो जाते है ना, होता है ना ऑनलाइन वाले बच्चों, निशिका तुमको बोल रहे हैं ये लोग। चलो, सेंडर और रिसीवर, सेंडर और रिसीवर, टू वे प्रोसेस मतलब भैया एक सेंडर है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो और रिसीव भी कर रहा हो सामने वाला, ठीक है, समझ में आया। एक और वेबस्टर है, अभी चार लोग पढ़ा हमने, एक और है, इसकी भी एक डेफिनेशन है लंबी चौड़ी, लेकिन इस डेफिनेशन में कीवर्ड क्या है, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड, ये कीवर्ड है जो याद करना है, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मीनिंग सबका एक ही है, बस कीवर्ड ढूंढना है, ठीक है। एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज करके एक और आया था, किसने बोला था एक्सचेंज कर, एक्सचेंज ऑफ क्या लिखा था, आइडियाज फैक्ट, आइडियाज फैक्ट जैसे लिखा है तो जॉर्ज है ना, और ये क्या लिखा है, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो वेबस्टर याद, क्लियर है। चलिए, अब बच्चा क्या लिखा है, वी कम्युनिकेट थ्रू, बच्चा कम्युनिकेशन कैसे होता है, लिखकर भी तो होता है, बस बोलकर ही होता है, लिखकर होता है, लेटर भी तो दे रहे हैं बच्चा, एक बात बता दूं, वेरी गुड, इतना हिंदी है ना। चलिए, आपका जितना भी बिजनेस कम्युनिकेशन होगा ज्यादातर क्या होगा बच्चा, रिटर्न में होगा,
ज्यादातर क्या होगा बच्चा, रिटर्न ईमेल, क्योंकि आप तो लॉ फील्ड है ना बच्चा, आपका पूरा काम ईमेल से होने वाला है, आपका पूरा काम ईमेल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एमसीए की वेबसाइट दिखाई थी, देखी थी, जब एमसीए की वेबसाइट दिखाई बच्चा, हमने किसी की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको निकाल कर दिखाई, मुझे आरओसी में फाइल करना है, डॉक्यूमेंट भेजना है, तो बच्चा ऑनलाइन काम कर रही हूँ ना, रिटर्न फॉर्म में कर रही हूँ ना, आरओसी में फोन करके बात कर रही हूँ क्या बच्चा? कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको मेल, आप खुद ध्यान दो, आपके इंस्टीट्यूट में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ये क्या कहते हैं भैया, मेल करो। आपके 90% केसेस बच्चा किस फॉर्म में होंगे, रिटर्न फॉर्म में होंगे। और बच्चा उसमें सबसे बड़ा मेन रोल होता है बच्चा ईमेल का। तो जो आप लोग अजीब से ईमेल बना देते हो ना, अजीब अजीब से नाम रखकर, रियल नाम तो रखते ही नहीं हो है ना, अजीब अजीब से पता नहीं क्या क्या सब टाइटल्स लगा देते हो, तो प्लीज है ना, अपना ऑफिशियल जब ईमेल आईडी बनाओगे, ऑफिशियल ईमेल आईडी थोड़ा अच्छा सा बनाना, जो आपका नाम है पता चले किसी का नाम। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक इंस्टा तो चलाते हो ना, नाम कुछ और रहता है और लिखा कुछ और रहता है ना, वो एडिशन लवर्स एंड पता नहीं क्या 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 ऐड कर देते, तो प्लीज ईमेल आईडी वक्त ऐसे मत बनाना, ठीक है? ऑफिशियली बहुत यूज होगा, बींग अ सीएस आप बहुत काम करोगे, ठीक। चले तो क्या लिखा है बच्चा, वी कम्युनिकेट थ्रू राइटिंग एंड स्पीकिंग। बच्चा कम्युनिकेशन दोनों तरीके से होता है, रिटन भी होता है और बच्चा स्पीकिंग फॉर्म भी होता है। लैंग्वेज कंटिन्यू टू प्ले इंपॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, जनरली बच्चा इंग्लिश ही होगा, ईमेल जब आप करते तो इंग्लिश का ही रोल होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द यूजर, लेकिन आज का जमाना बच्चा टेलीफोन यूज कर रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आ चुके हैं बच्चा, डिक्टाफोन। बच्चा एक बात मुझे बताओ, आप व्हाट्सएप में लिखते हो, इंग्लिश लिखते हो ना, हिंदी लिखते हो ना, इंग्लिश, क्या होती है वो लैंग्वेज, इंग्लिश, इंग्लिश बोलते ना, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स इंग्लिश होती है, लेकिन बच्चा उसमें एक माइक का भी ऑप्शन आ गया है, जब बातें बहुत लंबी चौड़ी बोलनी हो तो कौन लिखे यार, टाइप करे, तो भैया माइक ऑन करो, बोल दो, बड़बड़ा दो। तो यहाँ पर है ना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब कभी तुम लोग के डाउट्स होते हैं और डाउट मुझे ऐसा लगता है बहुत लंबा चौड़ा समझाने वाला है, तो बच्चा बोल के बोल दिया। इन्होंने कहा आज का टाइम टेलीफोन, मोबाइल, रिकॉर्डिंग डिवाइस, डिक्टाफोन मतलब डिक्टेट करने वाला, ठीक है, आंसरिंग मशीन, ये सारे ऑप्शन आ गए, जो कि स्पीकिंग आ गया। 90% आपकी वर्किंग किसमें होगी बच्चा, ईमेल, ठीक है, लेकिन ये सब थोड़े से इनफॉर्मल तरीके, ये सब क्या है बच्चा, इनफॉर्मल तरीके, ठीक है। चलिए ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्ट की बात हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, शिफ्ट दी फोकस, इन्होंने कहा धीरे धीरे लोग राइटिंग से कहाँ जा रहे हैं, स्पीकिंग। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखोगे तो डेली लाइफ में यही हो रहा है, गूगल में भी अगर आप देखो तो गूगल असिस्टेंट आ गया है, बस बोलो वो पहुंचा देगा। तो आज का टाइम धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहा है बच्चा, स्पीकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन मैं ऑफिशियल काम की बात करूँ तो ऑफिशियल काम में ज्यादातर आपका बच्चा काम राइटिंग में ही होगा बच्चा, दोनों एक ही होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअल में ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग बहुत टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, इनका जो डिफरेंस होता है वो भी टेक्निकल वाला रहता है, जो कि हमारी बस की बात नहीं होते। कुछ साइंस वाले वर्ड्स बोल देंगे खतरनाक से कि भैया ये डिफरेंस है, वो टर्म ही हमें नहीं पता, ठीक है। एक्चुअल में मेरी भी बस की बात नहीं है वो, है ना, तुम लोग तो और दूर, ठीक है, वैसे इंटेलिजेंट हो सकते हो तुम लोग साइंस में। चलिए बिजनेस कम्युनिकेशन समझ में आया अभी तक, क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन समझ में आया अभी तक, बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं समझा है, बस कम्युनिकेशन मतलब जो भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स, ओपिनियन, ये सारी बातें एक्सचेंज करें, क्लियर है, अलग 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 ऑथर की डेफिनेशन के हिसाब से। फिर उन्होंने बोला आज का टाइम धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है राइटिंग से कहाँ शिफ्ट हो रहा है, स्पीकिंग में, लेकिन ऑफिशियली ऑफिशियली फिर भी बच्चा आपका ज्यादातर काम राइटिंग में होगा। इन्होंने नॉर्मल बोलचाल में बताया आपको कि आप स्पीकिंग में जाते जा रहे, ठीक है। चलिए तो अभी कम्युनिकेशन का मतलब समझा था, बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बिजनेस को लेकर बात कर रही हूं तो मेरी बिजनेस कम्युनिकेशन है, अदरवाइज मैं कम्युनिकेशन कर रही हूं, ठीक है बच्चा। तो उन्होंने ये बोला है कमर्शियल बेनिफिट्स को लेकर आप बात कर रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, स्ट्रेटजीज बना रहे हो कि आगे चलकर क्या होगा, दैट वॉज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्लियर है। तो बच्चा अब आपकी बुक में आएंगे, व्हेन अ वन कम्युनिकेट टू ट्रांसलेक्ट कमर्शियल एक्टिविटी, जब आप बातें कौन सी करते हो बच्चा, कमर्शियल एक्टिविटी वाली करते हो, जिसमें आप प्रोवाइडिंग कर रहे गुड्स एंड सर्विस विद द इंटेंशन ऑफ द जनरेटिंग प्रॉफिट। आपका डिस्कशन क्या है, कमर्शियल नेचर का, आप गुड्स एंड सर्विसेज देने का सोच रहे हो, कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट करने की, ये सारे कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये भी बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। बिजनेस मतलब आप कमर्शियल बातें कर रहे हो ना, बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चा। अब इसमें भी एक स्कॉट आ गए जिन्होंने डेफिनेशन बताई कि मेरे हिसाब से क्या है, मेरे हिसाब से क्या बच्चा, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। स्कॉट जी बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन
इज अ प्रोसेस ट्रांसमिशन बच्चा, एक्यूरेट रेप्लीकेशन ऑफ आइडियाज, फीडबैक कुछ नहीं। उनका मतलब भी क्या है बच्चा, बिजनेस को लेकर आप क्या कर रहे हो, कुछ आइडिया शेयर कर रहे हो, उसका फीडबैक आ रहा है वो सर, तो बस कुछ नहीं। ये जो ट्रांसमिशन है, एक्यूरेट रेप्लीकेशन है बच्चा, ये टर्म बस याद करना, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। इन ऑर्डर टू बच्चा, प्रोफिशिएंट मतलब क्या होता है, स्किलफुल बिजनेस कम्युनिकेशन। इंपेरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट, रिक्वायर्ड है बच्चा, स्किल्स इफेक्टिव राइटिंग एंड स्पीकिंग, लैक ऑफ दीज में रिजल्ट लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मेरे दिमाग में आइडियाज है लेकिन मैं आपको कन्वे नहीं कर पाई, बिजनेस कम्युनिकेशन वीक था, तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंपनी को क्या फेस करना पड़ेगा, लॉस फेस करना पड़ेगा। कई बात समझ में आ रही है कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। आप बच्चा स्टाफ का कोई एम्प्लॉय नहीं हो बस, जो बस क्या करेगा, सेक्रेटरी काम करके निकल जाएगा कि भैया फाइलिंग करना है, ये करना है, वो करना है। आपको बिजनेस को आगे बढ़वाना है अपने क्लाइंट के, तो आपको उसके आने वाली चीजों को पहले से कन्वे करना होगा कि भैया आपके बिजनेस में बात आ जाएगी अगर आप ये लॉस फॉलो नहीं करोगे, ये काम नहीं करोगे। तो आपको पहले से खुद से ही उन्हें बताना पड़ेगा, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको कि मैंने बोला था आपने सुना ही नहीं, मतलब आपने उन्हें डराया ही नहीं। अपने डायरेक्टर को, अपने क्लाइंट को डराओगे ना, कैसे डराओगे, भारी भरकम पेनल्टी से कि भैया लॉ ये बोलता है नहीं फॉलो करोगे तो क्या लगेगी, पेनल्टी। आपको अच्छे से अपनी बातों को कन्वे करना है, और कम्युनिकेशन करना भी बच्चा एक कला होती है, स्किल होता है, और ये स्किल धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। कुछ बच्चों की स्कूल लाइफ में बहुत कुछ डेवलप हो चुका होगा, लेकिन जिनकी नहीं हुई है मैं कहूंगी धीरे धीरे डेवलप करो, क्योंकि आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे। मैंने आपको बताया था आप आरबीआई, एसबीआई बोल दिया, सेबी, ठीक है, इन सारे लोगों के पास जाके आप क्या करते हो, लॉयर की तरह रिप्रेजेंट करते हो अपने कंपनी को, एनसीएलटी के पास जाकर केस लड़ते हो, कोर्ट की तरह, लॉयर की तरह आपको कोर्ट में जाकर ऐसे केस लड़ने पड़ते हैं। तो अगर आप अपनी बातों को रख ही नहीं पाओगे, तो बच्चा आपको सब्जेक्ट देने के पीछे रीजन ही है कि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इसकी तरफ भी सोचना है, बुक बन के बैठे नहीं रहना। क्योंकि बच्चा एक अच्छा लॉयर क्या, मुंह ही तो चलाता है अच्छे से, वही चलाना है, लॉ आए ना आए मुंह चलाते बनना चाहिए बच्चा, ठीक है, वो बनता है। चलो, बिजनेस कम्युनिकेशन समझ में आया पक्का। राजश्री बच्चा तू एग्जीक्यूटिव की बच्ची है। चलिए, तो बच्चा अब जनरल बातें, कम्युनिकेशन, जनरल बातें, फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहले क्या लिखा है, स्क्रीन चली गई, थक गए, पहली बार 4 घंटे की क्लास पढ़ रहे हो तुम लोग, फंस गए ना, आगे बैठे रहना, मौसम तो ऐसा है। चलिए बच्चा आ जाओ, कम्युनिकेशन के कितने हैं बच्चा फीचर्स है, आ जाओ। सबसे पहले फीचर क्या है, टू वे प्रोसेस अगर नहीं हो तो वो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नहीं है। कुछ नहीं, मार्क करो, सक्सेस और फेलियर कम्युनिकेशन डिपेंड करेगा भैया फीडबैक। अगर बोलोगे दीदी आपने समझाया, समझ ही नहीं आया, तो फीडबैक देना चाहिए ना, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं, दूसरे तरीके से समझाऊं, ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस है इनका, एसेंशियली इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भैया, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर जगह कम्युनिकेशन जरूरी है। बिना कम्युनिकेशन का आपका बच्चा बिजनेस आगे बढ़ नहीं पाएगा। सब शांत है, एक दूसरे से गुस्सा बैठे हैं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इस चक्कर में कोई काम ही नहीं कर रहा, काम चलेगा क्या। चलो, नॉट ओनली द फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशन टू। बस फैक्ट्स नहीं करना है डिस्कस, आइडियाज भी करना है और इमोशंस भी। बच्चा बिजनेस करने आए हैं, रॉकी सर, अभिषेक सर, मैं, हम लोग बैठे हैं, अगर घर में कोई दिक्कत है, अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस ऐसे ही बैठा रह जाएगा। एक दूसरे की हेल्प करना है तो इमोशन भी डिस्कस करना पड़ेगा। बिजनेस में पार्टनर्स होते हैं, आपको बस आइडियाज नहीं कि भैया मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है, फैक्ट्स की बात करेंगे, पैसा लाना है कि लाना, ये हम रीजन ही नहीं बता रहे हैं कि क्या दिक्कत जा रही है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आपको शेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन बॉस है, ठीक है, एम्प्लॉय एक दिन नहीं आया, दो दिन आया, तीसरे दिन आया, बॉस ने जाके चिल्ला दिया, और एम्प्लॉय बोल ही नहीं रहा क्यों नहीं आया, घर पे कोई दिक्कत हो गई थी। तो इमोशंस भी शेयर करना जरूरी है, ताकि बच्चा, बॉस भी समझे एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहा था, एम्प्लॉय भी समझे कि बॉस क्यों गुस्सा कर रहा है, कि दो तीन दिन से आपने बताया तक नहीं, इन्फॉर्म तक नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हर टाइप का कम्युनिकेशन जरूरी है अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 दिन से तुम लोग लापता हो, ठीक है, एक दिन अचानक से आ जाते हो, मैं कहती हूँ कहाँ थे, डांट मारना चालू करते, मैं तो वैसे यही करूंगी, ठीक है, लेकिन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले से इन्फॉर्म करने की, है ना, कि दीदी शादी पे गए, वो कौन लड़की है जो मुझे बता करने गई, निशी, निशी,
अभिषेक को बता दिया था, ठीक है फिर उसको माफी मिल जाएगी। ठीक है चलो, पहला कम्युनिकेशन के फीचर्स, पहला क्या बच्चा टू वे प्रोसेस है, दूसरा क्या बच्चा ऑनगोइंग, ऑनगोइंग क्या बोलता है हर जगह जरूरी है, ठीक है, थर्ड क्या बोलता है बस बिजनेस की बातें नहीं करनी, बस फैक्ट्स की बातें नहीं करनी, आइडियाज के साथ साथ क्या डिस्कस होना चाहिए इमोशंस भी, ताकि फ्रीली आपका बिजनेस चल सके। नेक्स्ट क्या लिखा है, डायनेमिक मतलब चेंज होते जाना, टाइम कैसे बदलता जा रहा है बच्चा, कम्युनिकेशन के तरीके भी बदलते जा रहे हैं, ठीक है, तो चेंजिंग शेप, ये मौसम पीछे नहीं देखो इधर मौसम मौसम चल रहा है तुम लोग का। नेक्स्ट क्या लिखा है, गोल गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब इफेक्टिव तब होगा जब बच्चा सेंडर और रिसीवर अवेयर होंगे। बच्चा समझना, मैंने मैंने ठीक है एक सर्वे करवाना था, मैंने एक बंदे को भेज दिया जा यार सर्वे कर, उसको पता ही नहीं है क्या सर्वे करना है, क्या पर्पस है, गोल ही नहीं पता, कुछ भी घटिया से इन्फॉर्मेशन लेके आ जाएगा। अगर मैं बताऊंगी भाई ये इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, उसको मैं अगर गोल बताऊंगी तो बच्चा वो ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा कि नहीं आएगा। तो इन्होंने कहा भैया जो भी सेंडर और रिसीवर है अवेयर होना चाहिए कि इन कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है, गोल क्या है, तभी वो इफेक्टिव होंगे, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होंगे। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, बच्चा जहां साइंस आ जाता है तो साइंस क्या आ जाते हैं टेक्निकल वर्ड्स, बिल्कुल डरना नहीं। किसका मतलब नहीं समझी, क्या आप पूछ रहे हो कंपो, हाँ अच्छा कांग्रेस बता रही, बच्चा पूरा मीनिंग बता रही, कम्युनिकेशन इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब जब बोथ सेंडर और रिसीवर अवेयर ऑफ द गोल ऑफ द कम्युनिकेशन एंड देयर कॉन्ग्रुएंस, मतलब क्या होता है बच्चा ऑफ देयर गोल्स, उससे आने वाले जो भी रिजल्ट्स हैं। मेरा पर्पस क्या है कि भैया मैं चाहती हूँ कोविड के, फॉर एग्जांपल बच्चा अभी कोविड हो गया था, मैंने सर्वे करने के लिए एक ऑफिसर को भेजा, ठीक है, तो सर्वे करने का मेरा पर्पस क्या है और उस पर्पस से उसके कॉन्ग्रुएंस मतलब उसके और क्या रिजल्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं सर्वे करके यू ये पता लगाना चाहती हूँ कि भैया कितने पेशेंट है, ताकि ताकि उसके इफेक्ट है कि मैं एक टीम को भेज सकूं, सबका फीडबैक बोल सकते हैं, मतलब उसके इफेक्ट बोल सकते हैं, इफेक्ट्स प्रॉपर वर्ड रहेगा, ठीक है, कि उसके होने वाले इफेक्ट्स, पर्पस और उस पर्पस से जो काम करने वाले उसके इफेक्ट्स, ठीक है। चलिए अब बच्चा इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, साइंस आएगा तो थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स भी आएंगे। इन्होंने कहा भैया साइंस से मतलब क्या है, आ जाओ सबसे पहला टेक्निकल वर्ड क्या है बच्चा, अच्छी बात यह है कि उसका मीनिंग भी दे दिया, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, फिर क्या लिखा है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ पर्सुएशन, दिमाग है ना, पढ़ते हो रीड करते हो कि भैया मुझे समझ में आ रही थी साइकोलॉजी क्या है ना, तो साइकोलॉजी की प्रॉपर एजुकेशन होता है, मालूम है ना, स्कूल में भी सब्जेक्ट होता है, कुछ बच्चे लेते हैं, क्राइसिस में तो सबसे ज्यादा लिया जाता है, ठीक है। चलिए एटीट्यूड, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने कहा कम्युनिकेशन बस बात ही करना नहीं है, हर तरीके का बच्चा बॉडी लैंग्वेज से भी चीजें कम्युनिकेट होती है। आप एकदम से ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के चलने लगे तो कम्युनिकेशन हो रहा है कि भैया क्या हो गया पैर में, शोर है ना, बहुत तबीयत खराब है, आंखें डल हो गई है, परेशान है, हेड डाउन करके बैठे हो, तो बॉडी लैंग्वेज हो गया बच्चा, आपकी साइकोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। तो इन शॉर्ट कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्होंने कहा ये क्या है बच्चा, टू वे है, ऑनगोइंग, टू वे मतलब दोनों की बातें होनी चाहिए, ठीक है, ऑनगोइंग मतलब कंटिन्यू हर जगह जरूरी है, बस फैक्ट्स डिस्कस नहीं करना है, आइडियाज और इमोशंस भी, चेंजिंग प्रोसेस है, डायनेमिक शेप बदलती रहती है, पहले एक जमाना था लेटर में बात करते थे, है ना, पहले लेटर में बात होती थी, फिर टेलीफोन आए, फिर मोबाइल फोन आए, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तो सामने वाले को बता दो क्या पर्पस, उससे होने वाले इफेक्ट, और बच्चा ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, ये साइंस का भी एक पार्ट है जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज मेंटालिटी सारी चीजों की स्टडी करते हो। क्लियर है बच्चा, नहीं बस इतना ही। चलिए पर्सुएसिव क्या होता है, पर्सुएशन क्या होता है, हर जगह है ना, तो एक्चुअल में इन्होंने कहां कवर कर दिया है, हर लेवल, ऑनगोइंग में कर दिया ना, ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर स्टेज, ठीक है। चलिए क्या ये छह बातें समझ में आई, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन, कौन सा फीचर इसमें से नहीं है या फिर कौन सा फीचर इसमें से है, गलत दे दिए जाएंगे, एक सही होगा या फिर बच्चा ऑल ऑफ, वेरी गुड, ये वाले तो ज्यादा रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चा, ज्यादा हो गया, देखो आज मैं माफी दे रही हूँ क्योंकि आज पहला दिन है चार क्लासेस का, लेकिन इसके बाद माफी, ठीक है, पूरा मैं एक घंटा यूज करूंगी तुम लोगों का,